अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सच्चा काल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ तो आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, वीडियोस को देख रहे होंगे। आज एक बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है रावण वर्सेस हनुमान जी। और देखते हैं आज की वीडियो, ये एटीट्यूड वीडियो होने वाली है और बहुत ज्यादा अमेजिंग स्टोरी होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। और आज मैंने जितनी वीडियो अपलोड की है अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा। और मैंने न्यू जो चैनल बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर मैं हनुमान मूवी पे रिएक्शन बना रही हूँ, तो वो भी जाकर प्लीज जरूर देखिएगा। तो फटाफट से देखते हैं आज के वीडियो। एक बार राम और हनुमान जी से बोला युद्ध में, हमने सुना हनुमान जी तुम बहुत बलवान हो। हनुमान जी बोले हैं तो? रावण बोलो चलो अपनी एक एक मुक्का की पूजा। हनुमान जी बोले मतलब? रावण बोलो एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे, एक मुक्का तुम हमें मारना, जिसको ज्यादा दर्द हो वो हार गया, जिसको ना हो वो जीत गया। हनुमान जी बोले रावण ऐसे ही रहने दो, मत लड़ो। रावण बोलो तुम हमें जानते नहीं, हम रावण हैं, रावण चलत दसानन दौलत अपनी, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले तुम्हारे तो चलने पे पृथ्वी डोलती, हमारे प्रभु श्री राम के भैया लक्ष्मण जी के बोलने पे पृथ्वी डोलती। तो तुम बलवान हो गए, हमारे सरकार बलवान है। रावण बोले हम बलवान है। हनुमान जी ने समझाया मत लड़ो, लेकिन नहीं माना रावण। रावण जब नहीं माना, हनुमान जी बोले ठीक है एक एक मुक्का की, बोले एक एक मुक्का की शर्त लग गई चुनौती वाली। हनुमान जी बोले रावण पहले तुम मारो मुक्का हमें। रावण बोलो नहीं हम रावण है, पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले रावण कहीं हमने मुक्का दे दो तुम्हारे, कहीं तुम बिल्कुल टबक गए मर गए तो खुजली बनी रही, इसलिए काम करो पहले तुम मुक्का मारो। ठीक है, रावण ने मुक्का बनाया और जोर से हनुमान जी की छाती पे मारा। रावण को तो ये ज्ञान था कि हम बहुत बलवान हैं, हम छाती पे मुक्का मारेंगे हनुमान जी गिर जाएंगे, हनुमान जी गिरना तो दूर की बात है, हनुमान जी थोड़ा पीछे भए और फिर ठीक ठाक। रावण बोले क्यों बजरंग बली? हनुमान जी बोले हाँ। रावण बोला तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोला अच्छा एक बात बताओ, आंखों में तुम्हें कालापन कालापन अंधेरा जैसा छा रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा तुम्हारा सिर घूम रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोलो इतनो तेज मुक्का तुम सह गए? हनुमान जी बोले अब हम आओ सहो, हम तो सह गए, तुमने तो ट्रायल करो, हमारी पिक्चर देखो। रावण बोलो मतलब? हनुमान जी बोले हो जाओ तैयार, शर्त लगी थी एक एक मुक्का की, तुमने मार लिया, अब हमारी बारी है। रावण भी बोलो हम भी कम नहीं है, छाती फुला के बोला लो लगो मुक्का। हनुमान जी ने 360 डिग्री घुमाओ हाथ, 360 डिग्री ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने देखा, हे हनुमान जी जिस हिसाब से तुम 360 डिग्री बनाए हो, कहीं अगर छोड़ दे हो तो राम कथा यही पूरी हो जाए। ब्रह्मा जी प्रकट भए बीचों बीच, ब्रह्मा जी बोले रुकियो रुकियो वीर बजरंग बली रुकियो। हनुमान जी बोले कहां रुकियो, हटो एक तरफ, दो जन की लड़ाई में तीसरा नहीं आऊ तो नहीं तो डांट टूट जाए। अरे ब्रह्मा जी बोले नहीं, ब्रह्मा जी बोले रुको। हनुमान जी बोले क्यों रुको? ब्रह्मा जी बोले जिस हिसाब से आप मुक्का बनाए हैं 360 डिग्री, अगर इस हिसाब से आपने मशक दो दे दो तो रावण की अंतिम क्रिया के लिए हड्डियां नहीं बचने। हनुमान जी बोले तो उसमें हमें क्या लेना देना, वो तो शर्त है। रावण ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मा जी तुम क्यों बीच में आए? ब्रह्मा जी बोले हम तुम्हें बचा भी आए। रावण बोलो मतलब? ब्रह्मा जी बोले भाई साहब को जो मुक्का बनो है ना 360 डिग्री को खा जाए और तुम्हें लौट के बचने नहीं आए। रावण ने मन में विचार किया कि जब हमारे मामले में ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे तो मामला बहुत ऊंचा है। रावण धीरे से ब्रह्मा जी से बोलो इनसे कहो कि तरह मुक्का की साइज घटा दे, थोड़ा कम कर दे, थोड़ा सा कम कर दे। तो ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी शर्त पूरी करो लेकिन 360 डिग्री से कुछ डिग्री माइनस करो। हनुमान जी बोले कितनी? बोले कुछ तो करो। हनुमान जी जो 360 बनाए थे सो हनुमान जी ने 60 डिग्री कम कर दी, 300 कर दे, अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अभी भी ठीक नहीं। रावण बोला क्यों?
300 डिग्री ये बनाए हैं, इतने में भी तुम्हें बचना नहीं है, मर जाना। ब्रह्मा जी बोले थोड़ा और कम करो। हनुमान जी ने 300 डिग्री से 100 डिग्री और कम करी, 200 डिग्री बची। हनुमान जी बोले अब ठीक है। रावण बोले अब तो ठीक है। ब्रह्मा जी बोले इतने में भी कोमा में चला जाना है, कोमा में पैरालिसिस हो जाएगा, ब्लड फट जाएगा, ब्रेन का ब्रेन हेमरेज होगा। रावण बोले इतने में भी? ब्रह्मा जी बोले ज्यादा टेंशन हो तो ट्राई करवा ले। रावण बोलो थोड़ा और कम करवा। हनुमान जी थोड़ा और कम करो। हनुमान जी बोले नहीं बहुत है, नहीं नहीं थोड़ा कम करो। ब्रह्मा जी की बात हनुमान जी ने मानी, 100 डिग्री और कम कर, अब तो ठीक है, अब तो केवल 100 डिग्री बचा। ब्रह्मा जी बोले अभी भी दिक्कत है। रावण बोले अब क्या दिक्कत है? बोले 20-25 दिन तुम्हें होश नहीं रहना, इतने में? रावण बोले इतने में भी? बोले ज्यादा तुम्हें टेंशन हो तो हम ठुकवा दें। नहीं रावण बोले थोड़ा कम। हनुमान जी ने 40 डिग्री और कम करो, अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अब ठीक है, लगो। रावण के लिए मुक्का 60 डिग्री का घुमा करके हनुमान जी ने जहां छाती पे मस्का, इतना बलशाली रावण पृथ्वी पे धड़ाम से गिर गया। ये थी आज की वीडियो और ये थी अमेजिंग स्टोरी रावण वर्सेस हनुमान जी की। ऐसे तो इसके अलावा भी और बहुत ज्यादा स्टोरीज हैं उनकी, तो वो भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मुझे वीडियोस मिलती रहेंगी तो हम लोग देखते रहेंगे और बनाते रहेंगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा अमेजिंग थी और बहुत ज्यादा इसमें हमें ज्ञान होता है हनुमान जी की शक्ति का, कि मतलब कि एक मुक्के की सिर्फ बात थी। और रावण जो खुद को बहुत ज़्यादा बलवान समझता है और उसको ना बहुत ज़्यादा घमंड था खुद पे, और क्योंकि उसको ये भी था कि मैं अमर हूँ इसकी वजह से भी, क्योंकि उसने ऐसा वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। और उसके अलावा वो बुद्धिमान भी बहुत था, उसमें बहुत ज़्यादा अकल थी और शक्ति भी थी, लेकिन वो है कि वो दूसरों के लिए थी। हनुमान जी के सामने उसकी जो शक्ति थी वो कुछ भी नहीं थी। और वो बोलते हैं कि 360 डिग्री का मुक्का बनाया और उसमें ब्रह्मा जी खुद आ गए कि भैया उसकी जान की उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी इतने मुक्के में, तो जरा कुछ रहम किया जाए इस पे। तो उन्हें घटाते घटाते सिर्फ 60 डिग्री पर लेकर आगे मुक्का मारा और उसमें भी वो इतनी जोर से पीछे गया और जमीन पर, कि उसका कुछ भी होता ना, कि उसको लगा था कि रावण को लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और ये हनुमान जो खुद को बड़ा समझता है और दूसरों को भी लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, तो आज पता लगेगा। तो खुद ही फिर हार गया वो। और हार का उसका सबूत ये भी था कि जब हनुमान जी ने, जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी थी और उसी आग से उन्होंने उसकी पूरी लंका को आग लगा दी थी, तो वो भी हार थी। लेकिन वो अलग स्टोरी है, अगर वो मुझे स्टोरी पूरी पूरी मिलेगी कोई वीडियो तो वो भी हम लोग ज़रूर बनाएंगे। लेकिन हनुमान जी की बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियोज़ हैं और उनकी जो शक्ति है उसका हम लोग देखते रहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो। और हनुमान जी की जो शॉर्ट्स वीडियोस पे भी मैंने रिएक्शन बनाया था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। और मैं हनुमान जो मूवी है साउथ इंडियन मूवी, उस पर भी मैं रिएक्शन बना रही हूँ। मेरा जो दूसरा वाला चैनल है उस पर, अगर आप लोगों को नहीं पता तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में ही मिलेगा, तो प्लीज़ वो भी जाकर वहाँ पर मेरी हनुमान मूवी जिसमें मैं रिएक्शन बना रही हूँ ज़रूर देखिएगा। सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग मूवी है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम तो बचपन से ही हनुमान जी की जो एनिमेटेड थी वो वाली मूवी, मतलब स्टोरीज भी थी, बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्टोरीज होती है ना, तो वो दिखाई गई हैं, तो वो भी देख देख के बड़े हुए हैं, तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उन पर वीडियोज़ बनाना और देखना। उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मैं आपको मिलती रहूँगी ऐसी और बहुत सी वीडियोज़। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।